नालागढ़ अस्पताल में आज इस समय माहौल बिगड़ गया जब एक 65 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें, जगात खाना निवासी राजकुमार अपने 65 वर्षीय पिता को देर रात बाजू में दर्द की शिकायत होने को लेकर नालागढ़ सरकारी अस्पताल पहुंचा तो ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्य कर्मियों ने उनके पिता को उपचार देना शुरू कर दिया, मगर कुछ ही देर बाद उनके पिता की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मृत्यु हो गई। राजकुमार का कहना है कि उसके पिता को सिर्फ बाजू में दर्द था, इसके अलावा ना तो उनके पिता को बुखार था और ना ही खांसी जुकाम। सुबह भी फादर को लेके आया, 2:50 पे यहाँ 2:30 पे यहाँ पे पहुँचा। तो उसके बाद यहाँ पे आके नर्सों ने चेक किया और उन्होंने ऑक्सीजन लगाई उनको। ऑक्सीजन के बाद मैंने बोला डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर यहाँ पे थे ही नहीं। और फिर उसके बाद डॉक्टर यहाँ पे थे ही नहीं, उन्होंने इंजेक्शन लगाए उनको दो नर्सों ने, विदाउट डॉक्टर के पूछे दो इंजेक्शन लगाए हैं। और उसके आधे पौने घंटे के बाद डॉक्टर आया वहाँ पे, डॉक्टर ने पेशेंट को चेक तक नहीं किया। उसके बाद एक इंजेक्शन उन्हें और लगाया और वो इंजेक्शन लगाने के बाद उनकी सांस बंद हो गई, और जबकि उनकी सिर्फ बाजू में दर्द थी, कोई उनको खांसी बुखार जुकाम कुछ नहीं था, बाजू में दर्द थी। बाजू की दर्द के लिए हम दर्द के लिए दिखाने आए थे यहाँ पे, और चंद 2 मिनट के अंदर उनकी डेथ हो गई। और मैंने इनको पूछा, मैंने कहा क्या बात हुई इनको, और इन्होंने कोई टेस्ट नहीं किया, कोई सैंपल नहीं लिया, और ये बोलते हैं कि ये कोरोना पॉजिटिव थे, जबकि इनको खांसी जुकाम बुखार कुछ नहीं था और सिर्फ बाजू में दर्द थी इनको, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मैं सरकार से यही अब करता हूँ, यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इनको इतनी इतनी बड़ी फीस मिल रही है, लेकिन उन्होंने पेशेंट को चेक तक नहीं किया है, सिर्फ नर्सों ने वहाँ पे उनको इंजेक्शन लगाया, नर्सों ने बोलते उनका कोरोना टेस्ट भी कर लिया, और जबकि टेस्ट करने के टेस्ट कोई हुआ नहीं, कोई सैंपल नहीं लिया इन्होंने, और उनको कोरोना पॉजिटिव बता दिया, कोरोना पॉजिटिव है। ये कैसे हो सकता है, हम वहीं पे खड़े, कोई सैंपल नहीं लिया इन्होंने। मैं लैब टेक्नीशियन हूँ और मैंने डॉक्टर से पूछा, वो बोलते हमारा काम है, आपको इससे कोई मतलब नहीं, हमारा काम है हमने टेस्ट कैसे करने हैं। और फिर मैंने उनको ये भी पूछा, मैं कहा जो आपने टेस्ट किया मुझे उसका कार्ड दिखाओ, वो बोलते हमने तो डस्टबिन में फेंक दिया, ये इन्होंने बोला है। फोन किया, हम तो यहीं थे उसने में डॉक्टर को हमने पूछा, मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, उन्होंने फ़ोन किया, पुलिस को बुला लिया यहाँ पे। और फिर मैंने पुलिस वालों से भी यही बात की, मैं कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मुझे कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट दिखा दो। तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी है, वो हमें बाहर लेके आए और पीछे से पता नहीं अब क्या हुआ, हम तो तब से लेके बाहर खड़े हैं। हम तो सरकार से यही चाहते हैं कि इसका जो है, जो कोरोना टेस्ट नहीं हुआ उसके बावजूद उनकी कोरोना की रिपोर्ट भी दी, उन्होंने पॉजिटिव कर दी, और हम 2:30 यहाँ पे पहुँचे हैं और 3 बजे तक उनकी डेथ हो गई। आधे घंटे में कौन सा टेस्ट हुआ, कौन सी रिपोर्ट आई, और इन्होंने कोरोना पॉजिटिव कैसे निकाल दिया, इस चीज़ की जाँच होनी चाहिए यहाँ पे। ये जो रात बीती रात का मामला हमारे सबके सामने में अभी आया है, जो मैं समझ रहा हूँ इसके अंदर पूरी तरह से नालागढ़ हॉस्पिटल की लापरवाही है, क्योंकि इनके जो अटेंडेंट है, ये राजकुमार जी, इन्होंने अभी बताया कि जब पेशेंट को लेके आए रात को तो उस वक्त ऑक्सीमीटर इन्होंने खुद घर में चेक किया, उसका 87 ऑक्सीजन लेवल था। जब नालागढ़ हॉस्पिटल में पहुँचे तो पेशेंट खुद अपने पैदल चलकर अंदर गया, और उसके बाद जो इंजेक्शन लगाए गए वो बिना डॉक्टर की कंसल्ट के लगाए गए, डॉक्टर की कोई प्रेस्क्रिप्शन नहीं हुई, स्टाफ नर्स ने उठाया इंजेक्शन लगा दिया। पहले इंजेक्शन के बाद ही जैसे इन्होंने बताया कि तबीयत ख़राब हो गई उसकी, और जब उसके ज़्यादा दिक्कत आनी शुरू हुई तो इन्होंने, नर्सों ने या तो घबरा गए या इन्होंने क्या समझा तो दूसरा इंजेक्शन दिया, दूसरे इंजेक्शन से और तबीयत ख़राब हुई और 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही पेशेंट की डेथ हो गई। क्योंकि जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये पेशेंट का कोई ऐसा भी प्रॉब्लम नहीं था, पिछले दिनों से बिल्कुल सही थे, तंदुरुस्त थे, उनके एक बाजू में सॉरी टांग में दिक्कत थी, वो एक नी का प्रॉब्लम कह सकते हैं हम उसको, उसकी वजह से वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, और जो बाजू में इनको पेन हो रही थी वो भी राइट हैंड की पेन है, और उससे भी सही ऐसा लगता है कि ये कोई हार्ट का प्रॉब्लम भी नहीं था, अगर हार्ट का प्रॉब्लम भी होता तो लेफ्ट हैंड होता। तो ये सब जो यहाँ पर हुआ ये एक बहुत बड़ा, ये कह सकते हैं कि इसके अंदर लापरवाही है, एक बहुत ही बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, इस तरह से हॉस्पिटल के अंदर एक आदमी की डेथ होना हम समझते हैं हमारे इलाके के लिए बड़ी शर्मनाक बात है, और परिजनों में इस बात को लेकर और पूरे लोगों में रोष है कि जो नालागढ़ हॉस्पिटल है इसके अंदर कोई ध्यान से काम नहीं हो रहा है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम सब लोगों को अब यही डिमांड है इसमें कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्या सच है उसका पता लगे, क्योंकि अभी हमारे लोगों के अंदर इस बात की बहुत शंका पैदा हो गई है कि किसी भी पेशेंट को लेके ये कोरोना का पॉजिटिव टेस्ट दे देते हैं, जबकि इनका कहना है कि कोई भी पॉजिटिव टेस्ट हुआ ही नहीं, तो पॉजिटिव टेस्ट कैसे हो सकता है वो। और सेकंड बात, जो रिपोर्ट के अंदर इन्होंने ऑक्सीजन लेवल दिखाया है वो 37 लिखा है, तो हमारा एक ही क्वेश्चन है कि जो पेशेंट पैदल चल के अंदर जाता है हॉस्पिटल के अंदर, उसका ऑक्सीजन लेवल 37 कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है, क्योंकि 37 पे कोई भी पेशेंट मुझे लगता ज़िंदा नहीं रहता है। ये इन्होंने अपने बचाव के लिए उसका 37 मेंशन किया है, तो इस पे हमारा बहुत आपत्ति है कि ये गलत रिपोर्ट बनाई है इन्होंने, और एक तरह से अपने बचाव के लिए इस तरह का कोरोना का भी पॉजिटिव दे दिया और ऑक्सीजन लेवल भी 37 दे दिया, तो इसकी जाँच होनी चाहिए और ताकि लोगों को राहत मिले और एक इंसाफ मिले। धन्यवाद। देश दुनिया दीयां ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हां नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखण दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखण दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसी एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।